हे गाइस वेलकम बैक टू प्रेम कार ब्लॉग्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्सॉन ईवी, जो कि इसके अंदर काफी सारे फीचर्स इसके अंदर दे दिए गए हैं और हम इसके फुल डिटेल देंगे, पॉइंट पॉइंट सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर, और पूरा 2024 का पूरा फेसलिफ्ट इसका चेंज कर दिया गया है, पूरा ही चेंज है इसका, आगे से बैक से अंदर से इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा ही फुली चेंज कर दिया गया है। पूरी डिटेल देंगे हम, हमारे साथ बने रहे, जब तक इसका सिनेमेटिक व्यू एंजॉय करें। तो कैसी लगी है हमारी नेक्सॉन ईवी? तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसके वेरिएंट कौन सा है, ये है नेक्सॉन ईवी फेयरलेस है, ये वेरिएंट मिल जाता है। इसमें हम सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट से ही, तो ये हमें मिल जाती है पूरी कनेक्टेड डीआरआई मिल जाती है, इसके अंदर पूरी एलईडी मिल जाती है पूरी कनेक्टेड, जो कि जो पेट्रोल वाली आ रही है उसमें नहीं है, ये बीच वाला पार्ट इसमें जलता नहीं था, तो इसमें पूरी कनेक्टेड है ईवी वाली में। और इसका जो पूरा बॉर्डर दे दिया गया है इसका, ये हमें पूरा ग्लॉसी ब्लैक के अंदर मिल जाता है, और यहाँ पे हमें फ्रंट में दे दिया गया है टाटा का लोगो, जो कि क्रोम के साथ काफी बेहतरीन दे दिया है। और सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे मिल जाता है प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स व्हाइट में मिल जाते हैं, जो पहली वाली में आ रहे थे येल्लो में, अब मिल जाते हैं इसके अंदर व्हाइट में, ये भी व्हाइट में दे दिए गए हैं, और ये भी प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स दोनों दे दिए गए, और ये हमें फिनिशिंग इसमें काफी बेहतरीन लग रही है व्हाइट में इसकी फिनिशिंग, और ये हमें मिल जाती है पूरी इसकी जो नीचे वाली जो ग्रिल है काफी बड़ी इसके अंदर दे दी गई है, ये हमें मिल जाती है क्रोम के अंदर ही फिनिशिंग, डायमंड कट में हमें इसके अंदर दे दी गई है, और इसका पूरा नीचे वाला जो बॉर्डर है ना, ये हमें भी मिल जाता है पूरा ग्लॉसी ब्लैक के अंदर ही। और हम इसके माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज है 465 किलोमीटर है इसका माइलेज है, एक बार हम फुल चार्ज करेंगे, मतलब इसका ले लेती है कम से कम चार्जिंग एक ही बार में कम से कम ले लेती है 20 घंटा फुल चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज में ये 465 किलोमीटर चल जाती है, लगभग कहीं के भी हम ट्रिप कर सकते हैं इससे, जो कि टाटा ने बहुत ही कमाल का इसमें दे दिया गया है ईवी का एवरेज। साइड से हम इसके टायर साइज की बात करें तो टायर साइज हमें इसमें मिल जाता है
215/60, मतलब इसका हमारा हमें मिल जाता है इसके अंदर अलॉय 16 इंची का हमें मिल जाता है इसका अलॉय, जो कि हमें मिल रहा है पूरा डायमंड कट अलॉय में, पूरा ग्लॉसी ब्लैक और सिल्वर में इसका पूरा फिनिशिंग काफी प्रॉपर तरीके से दे दी गई है इस बार, और इसमें टाटा का लोगो मिल जाता है इसके अंदर फाइबर टाइप में ही। और हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये हमें मिल जाता है 205 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस लग रहा है आपके। और ईवी का हमें यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, ब्लू कलर में बैजिंग मिल रही है इसके अंदर, और हमें मिल जाते हैं इसका साइड जो मिरर है ना, साइड मिरर में हमें लाइट दे देगी, एलईडी लाइट है इसके अंदर मिल जाती है, ये भी इसमें जलती है, ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक के अंदर हमें दे दिया गया है आपके। और ये जो इसकी स्लोपिंग रूफ है और ये है, ये पार्ट पूरा हमें बॉर्डर इसका दे दिया गया है पूरा ब्लैक में, ग्लॉसी ब्लैक के अंदर दे दिया गया है, और मैट में स्लोपिंग रूफ का जो ये है ना, ये पार्ट हमें सिल्वर और मैट ब्लैक में काफी इसका लुक एनहेंस कर रहा है काफी बढ़िया। और इसकी हम बात करें, ये जो लोगो है सेलिब्रेशन लोगो हमें यहाँ पे मिल जाता है, इसमें मिल जाता है 25 साल से गाड़ी बेच रहे हैं, 50 लाख कार अभी तक बेच चुके हैं, 1998 से 2023 तक का भी रिकॉर्ड है 50 लाख गाड़ी का, इसका ये लोगो मिल जाता है टाटा दे रही है। और हम बात करें इसके साइड से, ये जो हमें स्लो अब हमें मिल गया है स्पॉयलर हमें मिल जाता है थोड़ा सा काफ़ी बड़ा दे दिया गया है आपके स्पॉयलर, ये भी हमें मैट में और ग्लॉसी ब्लैक के अंदर मिल जाता है। ऊपर हमें मिल जाता है इसके अंदर एक एंटीना रेडियो का। तो अब हम बात करते हैं इसकी बैक साइड की, जो कि काफी खतरनाक लुक दे दिया है इसका बैक साइड का। सबसे पहले हम बात करें इसकी लाइट की, जो कि एट्रैक्टिव बहुत ज्यादा है इसकी, पूरी हमें मिल जाती है कनेक्टेड एलईडी लाइट, बैक लाइट हमें मिल जाती है पूरी कनेक्टेड, जो कि रेड में और ब्लैक में इसका कॉम्बिनेशन जो इसका कवर दे रखा है ना, काफी खतरनाक दे रहा है। और हमें एक चीज और बताएं, इसमें जो टाटा हमेशा से देते हुए आई है, नई वाली हमें 2024 का दे दिया गया, उसमें भी हमें मिल गया है एक इसमें एक लोगो देती है ना एक टाइगर लाइन के, यहाँ पे भी हमें एक लोगो दे दिया गया है यहाँ पे भी। और हम बात कर रहे हैं इसके टाटा के लोगो के नीचे ही हमें मिल जाता है एक कैमरा, और यहाँ पे मिल जाती है इसकी बैजिंग, नेक्सॉन ईवी की बैजिंग मिल रही है क्रोम के साथ ही, और पार्किंग सेंसर्स भी इसके अंदर हमें मिल जाते हैं दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाता है, ये भी हमें फिनिशिंग दे दी है मैट ब्लैक के अंदर ही। और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर रेड कलर के और व्हाइट कलर के रिफ्लेक्टर हमें मिल जाते हैं इसके अंदर, जो कि साइड से एक लुक देख सकते हैं, लुक काफी पीछे से उठा हुआ सा लुक है और स्पोर्टी लुक दे रहा है इसका साइड लुक पीछे से ही। यहाँ पे हमें एक बॉर्डर फिनिशिंग दे रही है पूरी ब्लैक की ही, बॉर्डर फिनिशिंग ब्लैक कलर की दे रखी है, इस साइड भी हमें रिफ्लेक्टर दे रखा है और उस साइड भी। हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो सबसे पहले हम इसका डोर खोलेंगे, तो सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे लेदर फिनिशिंग मिल जाती है हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लैक में मिल जाती है, पूरा इंटीरियर हमें ब्लैक में ही मिलता है, यहाँ पे लेदर फिनिशिंग दे रखी है जो कि ब्लैक में मिल रही है, और ये हमें मिल जाता है पूरा इसका साइड का जो है ये पूरा हमें मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर, देख सकते हैं पूरा मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्लॉसी ब्लैक मिल रहा है। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कंट्रोल मिरर, जो कि अप डाउन करने के लिए सारे एडजस्ट करने के लिए, और हमें साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है, यहीं पे भी हमें सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखे हैं, यहाँ पे हमें ग्लास होल्डर्स और बोतल होल्डर्स के हमें मिल गए हैं, और यहाँ पे मिल जाता है JBL का स्पीकर इधर और एक इधर साइड, और यहाँ पे हमें मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का मैनुअली एडजस्टेबल, जैसे हम इसको डाउन करेंगे तो ये डाउन होगा, अप करेंगे तो ये अप होता है, देख सकते हैं अप हो रहा है धीरे धीरे करके, ये मैनुअली एडजस्टेबल मिल गया है आपके ड्राइवर सीट में, और ये मिल जाती है हमें ऑटोमेटिक ही, ये हमें मिल जाता है ब्रेक और रेस। और हम बात करें इसके यहाँ से, तो ये हमें एक फिनिशिंग मिल गई है आपके जो कि कार्बन फाइबर में दे रखी है, ये पूरी फिनिशिंग आपकी नई डिजाइनिंग आई है, ये भी हमें पूरा ब्लैक में ही मिल जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमें फिनिशिंग दे रखी है कार्बन फाइबर की, और एक सिल्वर लाइन दे दी गई है इसकी बॉर्डर टाइप में ही, ये पूरी भी वहाँ तक ही है। बात करें अब इसके स्टेयरिंग टाइप की, तो स्टेयरिंग हमें फिनिशिंग काफ़ी प्रॉपर तरीके से दे दी गई है आपके ईवी में प्रॉपर तरीके से लेदर फिनिशिंग दे रखी है, और हमें मिल जाता है सबसे पहले स्टेयरिंग पे यहाँ पे एलिमिनेटेड लोगो टाटा का, और यहाँ पे हमें दे दिया गया है सारे कंट्रोल्स हमें यहाँ पे दे दिए गए हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे
यहाँ पे हमें मिल जाते हैं एक डिस्प्ले, जो कि यहाँ से हमें ना गूगल नेविगेशन का जो होता है ना गूगल मैप, यहाँ से हमें यहाँ पे दिख जाता है पूरा पूरा दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। जैसे कि गाड़ियों में पहले आ रहे थे कि नेविगेशन हम बस खाली यहीं से देखते थे, अब हमें दे दिया गया है इसके अंदर भी नेविगेशन का सिस्टम, पूरा डिजिटल हमें इसका दे दिया गया है, जो कि काफ़ी क्वालिटी एकदम HD लग रही है इसकी, क्वालिटी एक नंबर है इसकी। और डिस्प्ले साइज़ हम बात करें, डिस्प्ले साइज़ हमें मिल जाता है 12.8 इंचेस की, काफ़ी बड़ी इसकी डिस्प्ले मिल गई है इसके अंदर। सारे कंट्रोल्स हमें इसके अंदर दे दिए गए हैं, मेन्यू में हम दिखाएंगे तो सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो, एंड्रॉइड, एप्पल कार प्ले, अमेजोन एलेक्सा और क्लाइमेट, ऑटोमेटिक हमें इसमें क्लाइमेट मिल जाता है, फ़ोन सेटिंग, फ़ोन पार्किंग और इमेजर व्यू, सारी चीज़ हमें इसके अंदर मिल गई है, रेडियो सेटिंग, शेयर माई लोकेशन, साउंड डेमो, सारी चीज़ें हमें सारे कंट्रोल ऑटोमेटिक इसमें मिल गया है हमें। AC इवेंट हमें यहाँ पे मिल जाता है और एक यहाँ पे इधर साइड मिल जाता है, और इसके नीचे ही हमें एक फिनिशिंग दे दी गई है, लेदर फिनिशिंग यहाँ पे दे रही गई है, और ये हमें पूरा टच मिल जाता है इसका AC का ही, ऑटोमेटिक AC इसके अंदर हमें मिल जाता है, यहाँ पर हम टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर्स जल जाएंगे। टच मिल गया है पूरा हमें इसका कंट्रोल AC इवेंट के लिए, और हमें यहाँ पे दे दिया गया है इसके नीचे ही थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पे हमें दो मिल जाते हैं स्लॉट, एक USB का और एक Type-C का स्लॉट, और ये हमें मिल जाती है ऑटोमेटिक ही, यहाँ से हमें रिवर्स, न्यूट्रल और ये हमें मिल जाता है पार्किंग का, और हैंड ब्रेक मिल जाती है इसके अंदर हमें, यहाँ पे होल्ड करेंगे तो हैंड ब्रेक मिल जाएगी, और हमें इसके अंदर दे रखे हैं मोड सारे, एक स्पोर्ट्स मोड, इकोनॉमी, जैसे कि हम लगाते हैं तो ये बोलती है देखना आप, बूट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, बूट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, देख सकते हैं ये ऐसे बोलती है, और इसका बॉर्डर हमें दे दिया गया पूरा ग्लॉसी ब्लैक में, ये ही हमें पूरा मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर ही। यहाँ पे हमें दे दिया गया होल्डर, बोटल होल्डर, ग्लास होल्डर यहाँ पे हमें दे दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिल जाता है आर्मरेस्ट के अंदर ही, आर्मरेस्ट पूरी हमारी ये पूरी जॉइंट है इसके अंदर होल्डर्स टाइप में दे रखे हैं, और ये पूरी हमें फिनिशिंग अंदर की पूरी हमें मिल जाती है ब्लैक के अंदर ही पूरी फिनिशिंग, और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक लाइट वाइट, पहली वाली गाड़ियों में आती थी येल्लो, और इसमें मिल गई है आपके वाइट लाइट, और ठीक है, और यहाँ पे मिल गया एक पैसेंजर एयरबैग मिल गया है इसके अंदर हमें, यहाँ पे मिल जाता है ये, अब इसमें भी लाइट दे दी गई है, इसमें एयरबैग आता नहीं है ईवी में, ईवी के अंदर, और यहाँ पे हमें एक एयरबैग दे रखा है, और एक यहाँ पे भी एयरबैग दे दिया गया है, और यहाँ पे डैशबोर्ड पर भी एयरबैग दे दिया गया है। और हम इसके ड्रॉ की बात करें तो ड्रॉ में हम यहाँ पे एक बार ऐसे करें बटन दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, ड्रॉ इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि आजकल गाड़ियों में नहीं आ रहा है, अब इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ा मिल जाता है नेक्सॉन ईवी के अंदर, बहुत ही बड़ा ड्रॉ, इसके अंदर भी हमें एक लाइट मिल जाती है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका। हम बात करते हैं इसके रियर साइड की, तो रियर साइड में हमें यहाँ पे मिल जाती है लेदर फिनिशिंग, और यहाँ पे हमें दे दिए गए एक ग्लॉसी ब्लैक की फिनिशिंग, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है इसको, और यहाँ पे साइड मिरर का, और ये हमें मिल जाता है यहाँ पे क्रोम हैंडल का ही, पूरा क्रोम दे दिया गया हमें इसका, डोर लॉक अनलॉक का, और यहाँ पे मिल जाता है हमें इसके JBL का स्पीकर ही, दोनों साइड हमें मिल जाते हैं उस डोर में भी और इस डोर में भी। और रियर साइड की हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक AC इवेंट मिल जाते हैं दोनों साइड रियर साइड के लिए, और एक हमें एक स्लॉट दे दिया गया है Type-C का 45 वॉट का, ये भी हमें पूरा ब्लैक में ही दे रखा है, यहाँ से ही पूरा ब्लैक, वही डोर वही वो, और ये हैंडल साइड हैंडल में मिल जाते हैं इधर साइड भी और इधर साइड भी, और एयरबैग भी हमें मिल जाते हैं एक इधर साइड और एक इधर साइड, और पीछे की साइड भी हमें दोनों साइड मिल जाते हैं एयरबैग। हम बात करें इसके स्पेस की तो स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, पीछे की साइड में आराम से बंदा बैठ सकते हैं, यहाँ पे तीन लोग आराम से, स्पेस में कोई वो नहीं है कमी इसके अंदर, बैक साइड में आराम से बंदा बैठ सकता है इसके अंदर, रिलैक्स होके आराम से बैठ सकते हैं। और हम बात करेंगे इसकी, इसका हमें पूरा स्लोपिंग रूफ हमें मिल जाता है पूरा ग्लॉसी ब्लैक के अंदर ही, इसके हमें स्लोपिंग रूफ मिल रहा है, देख सकते हैं पूरा ब्लैक दे दिया गया है, और साइड में हमें इसकी रूफिंग की दे देखे हैं, ये पूरा स्पोर्टी लुक दे रहा है इसका पूरा, ऊपर से ब्लैक और नीचे से वाइट कॉम्बिनेशन, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है इसका, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है इसका, जो कि ये जो लाइट है इसने कनेक्टेड दे दी गई है ना, यही चीज़ इसका
काफ़ी खतरनाक दे दी गई है इसके अंदर, पूरा एग्रेसिव लुक टाइप में दे रखी है, पूरी एग्रेसिव लुक में लग रही है। ये जो इसमें क्रोम फिनिशिंग दे दी गई है ना, ये काफ़ी बेहतरीन लग रही है इसकी। कैसी लगी है नेक्सॉन ईवी, जो कि पूरी चेंज हो गई है, इसके फीचर्स बताना आपको, कौन कौन से फीचर अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।